नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 35G versus Realme GT2 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Edge 35G में 6.27 इंच जबकि GT2 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Edge 35G में 2.92 इंच जबकि GT2 Pro में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Edge 35G में 0.26 इंच जबकि GT2 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Edge 35G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Edge 35G में 155 ग्राम जबकि GT2 Pro में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Edge 35G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Edge 35G में OLED जबकि GT2 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Edge 35G में 6.5 इंचेस जबकि GT2 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Edge 35G में 1080x2400 और GT2 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Edge 35G में 86.3% जबकि GT2 Pro में 88.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Edge 35G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि GT2 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Edge 35G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और GT2 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में माइक्रोस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Edge 35G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT2 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Edge 35G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT2 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Edge 35G में Adreno 642L जबकि GT2 Pro में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Edge 35G में Qualcomm Snapdragon 778G Plus और GT2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Edge 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि GT2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Edge 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि GT2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Edge 35G में 4020 mAh जबकि GT2 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Edge 35G में 2 कलर्स जबकि GT2 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
H35G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹27,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹29,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT2 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹49,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹57,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला H35G में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT2 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT2 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में GT2 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE है, दूसरा Vivo X60 है, तीसरा Realme GT 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।